मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। रीड 2018 कई अभ्यर्थी धरने पे बैठे हैं 16 दिन, कितने दिन दिन का तो मुझे पता नहीं, 16 दिन तो उनका चल रहा है। क्या था इस संबंध में देखो साथियों, दो ग्रुप बने हुए हैं, दोनों ग्रुप मेरा लाइव देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि भैया कितने परसेंट बोल रहा है, खिलाफ बोले का बोले गालियां देंगे क्योंकि कई ऐसे इशू हो गए, बेरोजगार आपस में लड़ते हैं, बीच में बेचारा उपेन यादव फंस जाता है, लेकिन कोशिश करता हूँ न्याय का साथ देने के लिए, योग्य अभ्यर्थी का साथ देने। लेकिन कई बार अब मैं दोनों में पढ़ना ही बंद कर दिया, UGPG वाला था, UGPG को लेकर कई लोग आए तो जो वो मेरे पास आए तो उसको पता चला फ़ोन करके कहने लगे तरीके से बात नहीं कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या कहने लगे, भाई मिलने मेरे लिए कोई भी आ सकता करने लगे। फिर मैंने सोचा मैं दोनों का फंसा, भाई मैं क्यों गाली सुनूँ आपस में, तुम लड़ते हो खाली मुझे बढ़वाते हो, अरे आप छोटा था एक बार मिल के बैठ के कर लीजिए, आप दोनों क्या चाहते हो। तो साथियों रेट 2018 की जो सुनवाई कल है क्या करता है, हालांकि यह है कि एडवोकेट जनरल के लिए मैंने सिफारिश की थी, मैंने बात रखी क्योंकि इसलिए रखी थी कि सीनियर एडवोकेट वहां होंगे तो कहने के न्यायालय जल्द से जल्द फैसला करेगा, क्योंकि जूनियर एडवोकेट का सीनियर एडवोकेट का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। अब कल न्यायालय क्या फैसला देता है, क्योंकि न्यायालय को देना न मुझे पता है, न बीकानेर के अधिकारियों को पता है, न किसी को पता है, लेकिन निर्णय कोर्ट को करना। अरे जो भी फैसला है कम से कम जल्द से जल्द हो, अब जल्द से जल्द सुनवाई के लिए हमने प्रयास किया और कल सुनवाई हो रही है और हो सकता है कल अभ्यर्थियों को राहत मिल जाए, कल कोर्ट से भर्ती प्रक्रिया से रोक हट जाए या फैसला आ जाए, किसके जो जो फैसला आना है वो न्यायालय को करना, अब किसके पक्ष में आएगा वो न्यायालय को, मैं ये नहीं कहूँगा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्योंकि फैसला तो न्यायालय को करना है, लेकिन जो होगा छात्रहित में होगा, यही आशा करते हैं कि कल, क्योंकि एडवोकेट जनरल साहब बहुत अच्छी पैरवी करते हैं, जितने वो पैरवी करते हैं उनकी मंशा ये रहती है कि आगे तारीख मिले, वो मंशा